उत्तराखंड के चार धाम यात्रा का पवित्र स्थल है गंगोत्री धाम। चार धाम की यात्रा पर आने वाले भक्त यमुनोत्री धाम के दर्शन के बाद गंगोत्री धाम की यात्रा पर निकलते हैं। गंगोत्री धाम माँ गंगा का उद्गम स्थल है। इस स्थल को गौमुख कहा जाता है। यहाँ से निकलकर गंगा नदी की धारा देवप्रयाग में अलकनंदा में जाकर मिलती है। इसी वजह से इसे अलकनंदा गंगा कहा जाता है। शास्त्रों में गंगोत्री धाम की विशेष महिमा बताई गई है। शास्त्रों के मुताबिक माँ गंगा पतित पावनी है। ये लोक कल्याण के लिए देवलोक से चलकर धरती पर आई। शास्त्रों में माँ गंगा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि गंगा जी के दर्शन और स्मरण मात्र से ही साधक पाप मुक्त हो जाता है। श्री हरि के चरणों से निकलने की वजह से इन्हें हरि प्रिया और भगवान शिव की जटाओं में विराजने की वजह से इन्हें शिव अर्धांगनी माना गया। मान्यता है कि जो साधक गंगोत्री धाम की यात्रा कर गंगा स्नान और माँ गंगा का पूजन करते हैं उनके सभी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। माँ गंगा की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं सहज रूप में पूरी हो जाती हैं। आइए जानते हैं गंगोत्री धाम से जुड़ी खास बातें जिन्हें शायद आप न जानते हो। गंगोत्री धाम समुद्र तल से 3,750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा नदी के निकलने के स्थल को गौमुख कहा जाता है। गंगोत्री से 19 किलोमीटर की दूरी पर है गौमुख। उद्गम स्थल पर गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री धाम के कपाट साल में 6 महीने के लिए खुलते हैं। अक्षय तृतीया पर खुलते हैं मंदिर के कपाट। भाई दूज के दिन बंद होते हैं मंदिर के कपाट। कपाट बंद होने पर मुखवा गांव में होती है माँ गंगा की पूजा। नेपाली जनरल अमर सिंह ने बनवाया था मंदिर। 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था मंदिर। 20वीं शताब्दी में जयपुर के राजा माधो सिंह ने पुनर्निर्माण कराया। राजा भगीरथ ने इसी स्थान पर की थी तपस्या। जिस शिला पर बैठकर भगीरथ ने की तपस्या उसे पूजा जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव की जटाओं में आई माँ गंगा। गंगोत्री का प्रथम पूजा स्थल है बालकंडार शिव मंदिर। ज्ञानेश्वर मंदिर और एकादश रुद्र मंदिर के दर्शन होते हैं। मंदिर के पास है गौरीकुंड और सूर्यकुंड। गंगोत्री धाम की यात्रा पर आए भक्तों को यहाँ का वातावरण बेहद रमणीय लगता है। चार धाम यात्रा के दौरान लाखों भक्त गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। इस स्थान पर माँ गंगा का दिव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ आए भक्त गंगा जी में स्नान करने के बाद माँ गंगा का पूजन अर्चन करते हैं। शास्त्रों के मुताबिक जो लोग गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं वो पाप मुक्त हो जाते हैं। माँ गंगा की कृपा से साधक के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। चार धाम की यात्रा पर आए भक्त यमुनोत्री धाम के बाद गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं और माँ गंगा की कृपा प्राप्त कर केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकलते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन। स्तुति।